धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है पूरे राज्य में हमारा सदस्यता अभियान और लोगों की कुछ ज्वाइनिंग चल रही है, उसी दरमियान में मैं जो रांची पहुंचा हूं, आज मांडर के विश्राम उराम जी काफ़ी काफिला के साथ हमारे पार्टी में ज्वाइन किए हैं। जी मेन कार्यक्रम मेरा रांची में यही है, जो कि राजकुमार जी के नेतृत्व में ये सारा ज्वाइनिंग हुआ। झारखंड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन दिनों भ्रष्टाचार परम सीमा पर, अवैध खनन के मामले जो है चरम सीमा पर चल रहे हैं, ऐसे में आपकी पार्टी किस योजना की है? देखिए, हमारी पार्टी तो काम की पार्टी है, काम करती है और अपने काम पर भरोसा करती है। और सारी पार्टी को आप लोग देख चुके हैं, अभी हाल में सुने होंगे कि सारा चीज़ पर GST लग भी गया। हमारे सांसद संजय सिंह को आपको राज्यसभा में बोलने के लिए उनको जो है पार्टी का जो है आपको सस्पेंड कर दिया गया। इसका सीधे अर्थ होता है कि आपको बोलने पर भी अब GST लगेगी, इसलिए हम लोग को सावधानी से बोलना भी पड़ेगा, जो कि आज संजय बाबू के साथ हुआ। अब जहाँ तक कि आप झारखंड की बात है, तो झारखंड में तो आज के दिन में आप लोग देखिए जो कुछ नहीं हो रहा है, केवल ड्रामा हो रहा है। कभी आप सुन रहे हैं कि BJP के कुछ विधायक इधर हैं, तो कभी सुन रहे हैं कि JMM का विधायक इधर हैं, कभी सुन रहे हैं कि JMM BJP से सरकार बना रही है, कभी विभिन्न तरह की बातें। और जो है आज जितनी सरकार बनती है तो मेरा अपना समझ में आता है कि सरकार बनती है और फिर 5 साल के बाद मैं कैसे आऊँगा इस योजना में लग जाती है, जो कि आप देख रहे हैं पूरे देश में चल रहा है। यहाँ तोड़ो यहाँ जोड़ो, किस विधि से मैं अपना वर्चस्व को रखूँ, जो आम आदमी पार्टी को तो आप लोग पूरी तरह समझ रहे हैं। हमारी पार्टी काम की पार्टी है, काम करने आई है, और झारखंड का जो भी मुद्दा होगा उसको हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे उसका निवारण करेंगे। विधानसभा चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव होने वाला है, क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी अपना लक जमाएगी? एकदम, आप तो जो है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो मेरे बगल में बैठी है मेरी मेम साहब है, तो मैंने 2 महीना में टारगेट लिया ये पंचायत समिति और ब्लॉक प्रमुख दोनों निर्विरोध जीती है। जहाँ मेरे यहाँ पंचायत समिति 49 थी, पूरे झारखंड में कहीं समिति निर्विरोध जीता है तो कहीं ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीता है, लेकिन ये पहली महिला है जो निर्विरोध समिति भी जीती है और ब्लॉक प्रमुख भी जीती है। इसके बाद मेरा एक टारगेट, मैं टारगेट में जीता हूँ और टारगेट पर चलता हूँ। विश्राम उराव के आने से कितना मजबूत हुआ है आम आदमी पार्टी? बहुत बड़ा है। विश्राम उराव जी अपने आदिवासी के बहुत बड़े चेहरा हैं, नौजवान हैं, पार्टी निश्चित ही भी इनके आने से बढ़ेगी। और बीच में मैंने ब्रेक कर गया कि मैं टारगेट पर चलने वाला आदमी हूँ, एक मुझे केवल 24 अब दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मैं एक ब्लॉक प्रमुख का फतेह किया, वैसे मैं 24 को फतेह करूँगा निश्चित। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के साथ अब स्थानीय मुद्दे क्या लगता है आम आदमी पार्टी उठाएगी? बिल्कुल, जब आम आदमी पार्टी जब झारखंड में आएगी तो सबसे पहले जो है सारे के बाद यहाँ का तो मुद्दा हमको उठाना ही पड़ेगा। और यहाँ का मुद्दा जब तक हम नहीं देखेंगे, हम लोग झारखंड के मिट्टी के हैं, झारखंड के मुद्दा को नहीं देखेंगे तो फिर आखिर आम आदमी पार्टी सब जगह सारे जगह जो है, मैंने इस 22 अगस्त को मेरा प्रदेश संयोजक बने हुए 1 साल हो जाएगा। 24 जिलों में कितना संगठन मजबूत हुआ है? सारे जिलों में मेरा संगठन चल रहा है, संगठन में सारे जगह हम लोग जिला अध्यक्ष बना चुके हैं, सारे जगह हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बना रहे हैं, आपको विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हैं। आप जब तक हम पंचायत तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अपने संगठन को बहुत मजबूत नहीं मानेंगे, जो कि 22 भर में हो जाएगा। 24 का जो चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा का, उसमें लगता है कि आम आदमी पार्टी कितना विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी को उतारेगी? मेरी पार्टी को तो कहानी आप लोग जान चुके हैं, मेरी पार्टी कितने सीटों पर नहीं आती है, वो आती है तो सबको सफाया कर देती है, झाड़ू चल जाता है, पूरा झाड़ू चला देती है। तो मैं तो उसी हिसाब से आने के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, और जनता मेरे मुद्दे को, मैं केजरीवाल मुद्दे को मॉडल को जानेगी,
निश्चित ही जो पंजाब में हुआ वो झारखंड में होगा। धन्यवाद कि जो आप आए और मेरे लिए समय दिए। आम पार्टी का नीति सिद्धांत हमको बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में जैसे बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं सरकार, और झारखंड का स्थिति आप लोग जान रहे हैं भली बात है, चूँकि आप लोग भी नेता से जुड़े हुए हैं। मेरा इसकी नीति सिद्धांत, इसका शिक्षा, इसका व्यवस्था, इसका पानी, हमको तमाम तरह का इसका नीति सिद्धांत हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुआ कि जो हम लोग स्थानीय नियोजन नीति हम लोग लागू करेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम लोग स्थानीय नियोजन नीति में भी हम लोग लागू करेंगे, और हम लोग झारखंड को दिल्ली की तर्ज में सरकारी स्कूल जो है उसको हम लोग प्राइवेट स्कूल के तर्ज में हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मेरी सरकार आएगी अगर 2024 में, हम लोग 81 विधानसभा में लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का अगर अनुमति होगा और हम लोग 81 विधानसभा में लड़ेंगे तो हमारी सरकार आएगी और पानी और बिजली हम लोग किसान को फ्री देंगे। यही सोच है और हम यही सोच के चलते केजरीवाल से मैं प्रसन्न हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैं आम पार्टी का दामन थामा विश्राम उराव। वो तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बताते कि हमको इतना टैक्स चाहिए उतना टैक्स चाहिए, लेकिन मेरा राज्य सरकार तो मेरा सरकार चलेगा तो मैं ना बताऊंगा कि हमको टैक्स कितना पे करना है कि नहीं को, राज्य सरकार को कितना देना, भारत सरकार को, तो मैं ना तय करूंगा क्योंकि मेरा सरकार रहेगा। तो टैक्स चाहिए ना कि रोटी में और चावल में टैक्स लग गया है जो आज तक कभी नहीं लगा, और आटा चावल का दाम इतना बढ़ गया है लोगों को जो है बहुत, देखिए सारा हो रहा है। आपकी पार्टी जो है क्या करेगी इस मुद्दे पे, केंद्र सरकार को घेरे थी? देखिए आज से 10 साल से बीजेपी सरकार चला रही है पूरा झारखंड प्रदेश में, और लगातार महंगाई मारा मारी, आप लोग सब जान रहे, तेल अभी 110 रुपया हो गया, सरसों तेल बढ़ गया, चावल बढ़ गया, तमाम तरह का सारा चीज़ बढ़ गया, यातायात का साधन बढ़ गया, तमाम तरह हम लोग बहुत त्रस्त हैं। और अभी मैं ग्रामीण एरिया से, हम मांडर से हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, हमें पानी के लिए अकाल हो गया है, आदमी मतलब लाइट नहीं है, मतलब व्यवस्था सुचारू रूप से, वो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को निशाना भी करेंगे और भाजपा को भी और कांग्रेस को भी। नहीं ठीक, वो तो वोट लेने का अलग अलग तरीका है, वो अपना भाई बताया और बोला कि हम बाथरूम छोटा भाई सारा बताया और फिर बाद में भूल जाएंगे जो आपने हमारे साथ वादा किया है। वादा देखिए, मैं हम लोग का जो मेरोडेंडम है, जो हम लोग जो नीति सिद्धांत है उसमें हम लोग धरातल में रहेंगे, और देखिए चूंकि सरकार का बात है, सरकार आएगी उसमें हम लोग अपना निर्णय करेंगे, हम लोग जनता के साथ 24 घंटा रहेंगे, और विशेषकर हम लोग का पानी बिजली और शिक्षा पे हम लोग का सरकार आएगी तो विशेष ध्यान देंगे। कृषि योग्य जमीन है वहाँ पे, मान लो थोड़ा ज़्यादा 2 यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट, अब जरूरत घर में, मान लो एक घर में 2% रहता है इंदिरा आवास है, तो उसमें 1 बल्ब लगेगा, 1 यूनिट, और आवश्यकता के हिसाब से हम लोग बिजली प्रमोट करेंगे। जैसे मान लो कृषि के लिए ज़्यादा लगेगा तो हम लोग ज़्यादा प्रमोट करेंगे, और बिजली है या नहीं है तो क्या करेंगे। एक सवाल है कि आज आप ज्वाइन किए हैं, क्या किन उम्मीदों से ज्वाइन किए हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भविष्य दिखाई पड़ रहा है? मुझे देखिए, अभी आप लोग ने पूरा कांग्रेस और बीजेपी को देख रहे हैं, अभी दोनों पार्टी, आप लोग कांग्रेस को भी जान रहे हैं, बीजेपी को जान रहे हैं, कांग्रेस आप सफाया होने जा रही, और तीसरे विकल्प के रूप में हमारे आम पार्टी जो हमारे माननीय केजरीवाल जी हैं पूरा भारत में रहेंगे, और आने वाला 24-30 तक में हम लोग का प्रधानमंत्री के दावेदारी रहेंगे हम लोग का केजरीवाल। हम लोग यही उम्मीद से संघर्ष कर रहे हैं, और हमको जो दायित्व मिलेगा पार्टी से मैं उसको सच्चा दिल से उसको निभाने का काम करूँगा। हम इनके साथ जुड़ा हूँ और मैं सच्चा सिपाही बन के काम करूँगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।